तीन बजे जगह और अब नीचे जा रहा हूँ। आज कुछ पार्टी तो नहीं जा रहे हैं, आज है यहीं पे पार्टी अपने हॉस्टल में। पार्टी तो हॉस्टल में पार्टी जो होती है वो बहुत होती क्रेजी, जब आगे क्रेजी होती है। तो नीचे जा रहा हूँ, देखते हैं रूम में। जब मैं एग्जिट करूँगा जितने भी चेकआउट करूँगा तो पूरा हॉस्टल दिखाऊँगा, प्राइसिंग बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा। सो देखते हैं। The name of Father Goose. The name of Father Goose. Master Shotgunner up above. Master Shotgunner up above. May these beers go down smoothly. May these beers go down smoothly. Efficiently. Efficiently. With minimal spillage. With minimal spillage. And absolutely no after sickness. And absolutely no after sickness. Three us. Two us. Gun us. Wait, now the question. You can zoom him out. Hey, yahan se thoda hilke ek tasveer le lo. Jaiye aap. The lights. Jaiye aap, jaiye. नहीं बंद करो, बंद कर दो, बंद कर दो। क्यों? और कोई मुंह छुपा रहा है, बंद करो। कौन छुपा रहा है? सब लोग छुपा रहे हैं। माँ छुपा। सो आज मेरा चेकआउट है, लास्ट डे है, और मैं रूम्स वूम्स दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने बोला था हॉस्टल दिखाऊंगा। और ये अपने भाई हैं, ये अपने भाई पाकिस्तान से है और मलेशिया में सेटल्ड हैं। और अभी आप कितने दिन हैं यहाँ पे? तकरीबन 21 तक चेकआउट मेरा होगा, 21। और उसके बाद? और उसके बाद सीधा चेंग माई, फिर चेंग माई के बाद पताया, और पताया के बाद सीधा मलेशिया। अच्छा, तो मैं रूम्स दिखाता हूँ, लेकिन पहले आप अपनी स्टोरी बताइए। जो आप बता रहे थे कि मलेशिया में सेटल्ड है। हाँ। और इनकी वाइफ मलेशियन चाइनीज है। बिजनेस है तो छोटा सा। हाँ, हो जाता है गुजारा, अलहमदुलिल्लाह। हमें भी इनके जैसा सेटल होना है कहीं थाईलैंड या नेक्स्ट प्लान जरूर मलेशिया है। हाँ, कोशिश करूंगा। मलेशिया में आएंगे, रूम्स दिखा देते हैं। ये हमारे रूम्स हैं यहाँ पे, ये बेड्स हैं, ऊपर नीचे ऐसे दो बेड्स, और ये ऊपर नीचे ऐसे दो बेड्स, और इस साइड वाले, इस साइड भी हैं। और वॉशरूम दिखा देते हैं, ये लॉकर है, अगर आपको सामान रखना तो लॉकर में रख सकते हैं। और इधर भी एक रूम है, इधर वॉशरूम्स है, सारे क्लीन है एकदम। हाँ, कॉमन वॉशरूम है फॉर लेडीज एंड जेंट्स। सो ऊपर और बड़ा है, ये 8 बेड्स का था, ऊपर 16 बेड्स का है। तो ऊपर देखते हैं, आप इसमें हैं जी? ये ऊपर 16 बेड का है। अरे हाँ, ये बढ़िया लग रहा है, ये बढ़िया है। ऊपर 16 बेड्स का है ये। अच्छा, ये अटैच्ड वॉशरूम है, 16 बेड्स के साथ अटैच्ड वॉशरूम है। सेम है वॉशरूम तो, बिल्कुल वॉशरूम सेम है, दो नहाने का और दो टॉयलेट, एक छोटी सी बालकनी है। ये नीचे का व्यू देख सकते हैं, उधर रिसेप्शन है, वो वहाँ पे भी मैं जाता हूँ, और वहाँ से एंट्री है। चलिए, और चार्जेस इसके जहाँ तक मुझे पता, अगर आप दूसरे वेबसाइट से ना करें, इनके ही बोडेगा के वेबसाइट से ही करें, तो लाइक ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, 500 से 1000 के बीच में पड़ेगा। और सीजन, अभी सीजन यहाँ पे चल रहा है ट्रैवल का या नहीं चल रहा है? ये सीजन चल रहा है ना, ट्रैवल का चल रहा है। तो इस समय मेरे ख्याल से 500 से 1000 के बीच में आपको टिकट बेड्स मिल जाएंगे पर नाइट। डिपेंड करता है कि कितने रूम्स अवेलेबल हैं और क्या सीजन, क्या मंथ चल रहे हैं। एवरी नाइट पार्टी चलती रहती है यहाँ पे। वो तो मैंने डाला है सर वीडियो। नीचे पीसी भी अगर आप यूज़ करना चाहें, और इधर अपना ये
जो कपड़े धोने वोने के लिए आप दे सकते हैं। तो आगे दिखाते हैं, तो ये सेकंड बिल्डिंग है, उधर थर्ड है, ये फर्स्ट है, और ये रिसेप्शन है अपना, और यहाँ फर्स्ट बिल्डिंग है। तो देख सकते हैं सारे लोग चिल मार रहे हैं। सो मैं दिखाता हूँ, जो भी रोज़ का पार्टी होगा वो यहाँ पे लिखा रहेगा, डेली अपडेट, जैसे आज का पार्टी ट्यूसडे क्या है, क्या कॉस्ट है और क्या क्या है, सब इधर मेंशन रहेगा। और ये गेम्स के डिटेल्स, जो भी गेम होगा रोज़ का वो यहाँ रहेगा। ऊपर एक लाउंज है जहाँ आप स्मोक कर सकते हैं। हाँ, और ये रिसेप्शन है, ये रिसेप्शन है, ये अपनी यहाँ पे एक क्यूट गर्ल है, क्यूट गर्ल, और ये अपना बार है, बार काउंटर है, और ये ओमा है, ओमा हाय, ओमा कहने से हाय। सो आप आएंगे तो ये मिलेंगी और आपको ये मिलेंगी, से हाय। हाँ, इधर किचन है, यहाँ से फूड ऑर्डर कर सकते हैं आप, फूड ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे चेकआउट टाइम और चेक इन टाइम सब मेंशन है ऊपर, और जो भी अपनी फीलिंग शेयर कर सकता है, और बड़े बिल बनाता है इसकी लिस्ट के, ये क्या है, जिन्होंने लिस्ट बनाया हुआ है यहाँ पे, ज़्यादा पे किया हुआ है, उसकी लिस्ट पब्लिश होती है यहाँ पे, तस्वीर उसकी लगती है। अच्छा, तस्वीर लगी हुई है। हाँ, उसके मुल्क का झंडा बना के उधर ही उसको लगा देते हैं। अच्छा, ये सारे बिल्स हैं। ये अपने मैनेजर हैं, ब्रो मैनेजर हैं, कैन यू से हाई फॉर द वीडियो? हेलो, yeah, and he is also video, so can you, right now I'm feeling a little bit hungover, yes, but really happy because I'm downloading PUBG on my phone. Yes, I'm feeling rather upset because I can't get PUBG and he fucking can. यहाँ के मैनेजर हैं, मैनेजर नहीं, बॉस, बॉस, बिग बॉस, ही इज द बिग बॉस ऑफ बुडेगा, वन ऑफ देम। सो यू वांट टू से समथिंग टू आवर इंडियन ऑडियंस? I think the main reason people like to come to Bodega is that they know when they come here, they're family. Yeah. And as family, we treat you like family. Yes. So, for all of you who want to come and join us, please do. We extend our hospitality. Yeah. Woo! Yes. Hope to see you soon. So, check out maa chuka hoon main aur yahan se main metro ja raha hoon. Aur bhai saath mein chal rahe hain. तो जो थोड़ा बहुत बचा था वो बता देता हूँ। जो लोग पहली बार आ रहे हैं वो क्या करें, यहाँ पे बुडेगा कैसा आना है, बुडेगा आना है। सो पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ कि यहाँ तक बुडेगा तक कैसे आपको पहुँचना है। सो अगर आप जब एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे, वहाँ से आपको मेट्रो लेनी है। मैं तो दूसरे मेट्रो तक आया था चेंज करके, लेकिन सिंपलेस्ट है अशोक, ASOK, यहाँ पर आप आएँ। यहाँ से आप गूगल मैप पर डालें बुडेगा, पैदल भी आ सकते हैं या तो टैक्सी भी कर सकते हैं। पैदल आएंगे तो 5 से 10 मिनट आपको लगेगा, जैसे अभी मैं पैदल ही जा रहा हूँ तो 5 से 10 मिनट लगेगा। और अगर आप थाईलैंड में और कहीं भी जा रहे हैं तो बुडेगा का और जगह भी हॉस्टल्स है, बुडेगा का हॉस्टल्स है यहाँ बैंकॉक, फुकेट, चेंग माई और एक दो जगह और है। आप उनके वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, सबके प्राइजेस, सबके हॉस्टल्स अलग अलग है। सो मेरे ख्याल से ये मेरा लास्ट ब्लॉग होगा एयरपोर्ट पे ब्लॉग करना, क्या एयरपोर्ट पे क्या ब्लॉग करूँ, तो ये मेरा लास्ट ब्लॉग होगा जिसमें मैक्सिमम चीज़ें मैंने बुडेगा के ऊपर बताई। और मैं जितने भी दिन था, एक दिन हुआ ही इनको छोड़ के, बाकी सारे दिन मैं यहीं पे था, तो मैंने और कुछ तो ट्राई नहीं किया है। बट यस, मैं यहाँ हूँ तो मेरे को अच्छा लगा, मैं सजेस्ट करूँगा, अनबायस्ड सजेस्ट करूँगा कि आप यहीं आएँ अगर आप पार्टी करने आ रहे हैं। अगर फैमिली के साथ आप यहाँ नहीं आए, क्योंकि एक पार्टी हॉस्टल है, यहाँ दिन रात बियर, वोडका, पार्टी, कभी कभी नेकेड लोग भी आपको दिख जाएंगे, कभी कभी बहुत कुछ है हॉस्टल के अंदर, लड़का लड़की भी आपको दिख जाएंगे कुछ काम करते हुए। सो अगर आप आते हैं तो पार्टी के मूड से आ रहे हैं, बैचलर हैं आप, सिंगल हैं, या गर्लफ्रेंड के साथ हैं, या फ्रेंड्स के साथ हैं, पार्टी के मूड से आ रहे हैं तो आएँ। आस पास बहुत सारे पब्स और बार भी मिलेंगे जहाँ ये लेके खुद जाते हैं, जिनके चार्जेस होते हैं 450 बात, इनकी वैन आपको लेके जाएगी, आपको एक टी शर्ट देंगे,
इनकी वैन लेके जाएगी वहाँ, जहाँ भी लेके जाएंगे वहाँ सारी एंट्री फ्री होगी। आपको एक बकेट दारू की, अल्कोहल की आपको मिलेगी। फिर अगर आप जहाँ जाते हैं वहाँ जो भी खर्चा करते हैं वो आपका खुद का रहेगा, और 450 रहेगा। आप खुद से भी जा सकते हैं अगर आपको एक्सपीरियंस है, जैसे मैं इतने टाइम जा चुका हूँ मुझे पता है कि खुद से कैसे जाना है, क्या प्राइजेज है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ पब्स जो लेके जाते हैं तो प्राइस इंक्लूड होता है उस 450 में। जैसे हम गए थे तो हमें अलग गए थे, हम इनके साथ नहीं गए थे। एक बार मैं अलग गया था तो मुझे 400 बात एंट्री फ़ी पे करनी पड़ी लेवल्स में। सो अगर पहली बार आ रहे हैं तो इनके साथ जाएं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे फ्री में भी आप जा सकते हैं, जैसे खॉन्सन रोड, उसका वीडियो दिखाया था, वहाँ पे आप फ्री में जा सकते हैं। मतलब कि एंट्री के कोई चार्जेस नहीं है, पीने खाने के चार्जेस हैं। उसके बाद सोई काउबॉय में भी आप जा सकते हैं। अगर वहाँ अंदर आप नहीं जाएँ, बाहर बियर पी रहे हैं, बाहर प्यास कर रहे हैं, वो भी फ्री है। और पब और क्लब्स में जाएंगे तो आप एंट्री फी आपको पे करनी पड़ेगी। सो यही था सब कुछ। अगर और भी कुछ पूछना है तो यहाँ पे सामने कहीं पे इंस्टाग्राम आएगा मेरा, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आएगा। आ जाओ इंस्टाग्राम पे, फॉलो करो और मेरे को मैसेज करो, मैं वहाँ पे सब कुछ बताऊँगा। और देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है। अब थाईलैंड तो पूरा हो चुका है, अब नेक्स्ट क्या है देखते हैं। और ठीक है, बस सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट अगर वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, पीस आउट। It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you